हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अलीशा सार्ट। तो दोस्तों, मैंने जब ये विंटर गार्डन सेटअप किया था तब वीडियो शेयर की थी और आज मैं लेके आई हूँ एक अपडेट वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं इन ब्यूटीफुल क्रिसेंटिमम प्लांट्स के साथ। जब ये मैंने लगाए थे तब बहुत छोटे से छोटे छोटे पॉड्स थे अगर आपको याद हो तो। अभी देखिए अच्छी सी ग्रोथ हो रही है और फूल भी आए हैं। ये वाला ऑरेंज कलर वाला है और ये अभी तक कम्प्लीटली खिला नहीं है लेकिन खिलेगा आगे जाके। और ये जो रानी पिंक वाला कलर का क्रिसेंथेमम प्लांट है इसमें फूल आके सूख भी चुके हैं और नए कलियां बन रही हैं। और ये अगेन एक येल्लो लेकिन सिंगल पेटल वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो व्हाइट वाले इतने खूबसूरत से क्रिसेंथेमम के प्लांट्स हैं ये मेरे पिछले साल के हैं। पिछले साल मैंने इन्हें बचा लिया था तो अभी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये भी मैं पिछले साल ही लेके आई थी और इस बार आप ब्लूमिंग खुद ही देख पा रहे हैं और खूबसूरती भी आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो जो दूसरा डब्बा है यहाँ पर भी मैंने क्रिसेंथेमम के पॉट्स लगाए थे। एक ये है दोस्तों येल्लो कलर का और एक ये ऑरेंज कलर का। ये देखिए कितने प्यारे हैं ना दोस्तों। और वैसे भी सर्दियों में तो क्रिसेंथेमम के मतलब जो फूल हैं वो बाहर ला देते हैं आपके गार्डन में। और ये मैरीगोल्ड मैंने ऐसे ही रख दिया है वहाँ पे। और ये जाफरी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। उसी के पास में ये बटन क्रिसेंथेमम, इनके फूल के साइज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और मैरीगोल्ड तो आप लोगों को पता ही है कि इस बार मैंने अपने विंटर गार्डन में मैक्सिमम मैरीगोल्ड का ही इस्तेमाल किया है। और ये देखिए साल्विया, और यहाँ पे मैं ये स्पेन फ्लावर हटा रही हूँ। दोस्तों अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ अगर कोई वीड्स मतलब घास फूस उग जाए या फिर फ्लावर्स स्पेंट हो जाए तो उन्हें आप रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आप इनको रहने देंगे तो ये जो सॉइल का है कम्प्लीट न्यूट्रिशन ले लेगा और जिससे आपका प्लांट ना ग्रो कर पाएगा अच्छे से ना ही फूल दे पाएगा। और हाँ दोस्तों, ये देखिए सिलोशिया का ये प्लांट है और इसे मैंने नहीं लगाया है। ये एवरी ईयर विंटर में अपने आप ग्रो होता है सेम जगह पे और इतने सारे फूल देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है फूलों का। तो ये प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। और यह मैरीगोल्ड तो आप देख ही पा रहे हैं बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और यहाँ पे है इम्पेशंस के प्लांट। यहाँ पे मैंने वाइट और पिंक का कम्बिनेशन करके यहाँ पे लगाया था डक प्लांटर में। और ये वाला अगेन क्रिसेंथेमम का प्लांट। और ये देखिए दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है प्लांट भी फूल भी, तो इसे मैं हटा दूँगी। ऐसा होता है दोस्तों, आप जितने प्लांट्स लाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स लग जाए, बीच बीच में कुछ प्लांट्स ख़राब हो ही जाते हैं। और ये देखिए डायंथस के दो छोटे छोटे पॉड्स लगाए थे, अभी ये बड़े हो चुके हैं, फूल भी आ चुके हैं। और इन्हीं के पास ये देखिए खूबसूरत सा कैलेंडुला, ये देखिए कितना प्यारा है। दोस्तों स्पेन फ्लावर को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, मैं इन्हें हटा दूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अच्छे से इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और ये अगेन एक दो इम्पेशंस के प्लांट हैं। और ये देखिए दोस्तों, डॉग फ्लावर के चार प्लांट्स मैंने नए ऐड किए हैं। ये वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था आप लोगों को क्योंकि उस वक्त मैं लाई भी नहीं थी, जब बाद में मैंने लाई और मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए तीन सेरेमिक के प्लांटर्स मैंने प्लेस किए हैं। बीच में कप शेपेड प्लांटर है और दोनों साइड में डक शेपेड प्लांटर। और यहाँ पे मैंने लगाया है कैलेंडुला, ये देखिए बहुत ही प्यारी ब्लूम है लेकिन फूल का साइज़ छोटा है बिकॉज जो प्लांटर है वो छोटे हैं, अगर बड़े होते तो फूल का साइज़ भी बड़ा होता। और ये अगेन डॉग फ्लावर है, बहुत ही प्यारे लगते हैं डॉग फ्लावर। और जब पूरी तरह से फैल के खिलते हैं ना तो पूरा पॉट कवर लेते हैं, कवर कर लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है उसके कुछ दिनों के बाद का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूमिंग और ज़्यादा हुई है, जो इम्पेशंस के प्लांट्स हैं वो फुल ऑफ ब्लूम्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा कि कुछ गिने चुने ही फूल खिले हुए थे इम्पेशंस में, लेकिन अभी आप देखिए। और ये जो प्लांट्स हैं दोस्तों, ये मैंने इस तरह के मैंने हैंगिंग प्लांटर में लगाया था, आप लोगों को याद ही होगा मैंने शेयर किया था। देखिए यहाँ पर भी हर एक प्लांट में ब्लूमिंग आ चुकी है। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के डायंथस यहाँ पे आए हैं। और ये देखिए रेड मैक्सिमम आया है, चार प्लांट्स रेड के आए हैं, बाकी अलग अलग कलर में है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोस्तों। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि इतने छोटे प्लांटर में फूल खिलेंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, लेकिन ये देखिए सुभान अल्लाह बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला प्लांटर मुझे। तो दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम छोटे से छोटे प्लांटर में भी फूल पा सकते हैं। जगह कम हो या फिर आपके पास बड़े पॉट्स ना हो तो छोटे छोटे पॉट्स में भी हम लगा सकते हैं। और आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने पिटूनिया के
करीब 20 प्लांट्स मैंने लाए थे और मैंने इन इस तरह के वेस्ट प्लास्टिक बॉटल में लगाया था, और अभी रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिए। और ये वाला प्लांट देखिए दोस्तों, पिटूनिया वाइट कलर में है, और आप फूलों का जो क्वांटिटी है वो देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। ये वाला मैं हैंगिंग बास्केट में बना बनाया प्लांट लेके आई थी, और अभी इसमें और ज़्यादा ब्लूमिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और हाँ दोस्तों, विंटर तो अभी जाने वाला है, ऑलमोस्ट जा चुका है, और गर्मियाँ आने वाली हैं। तो गर्मियाँ आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं गार्डन में, वो क्या होते हैं मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।